15 अगस्त 2024 भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न कुछ फीका है। देश के तमाम डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। आरजेकर मेडिकल कॉलेज से जो खबर आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। Chaos is broken out at the RJKR hospital. It's here that the rape and murder took place. बात करते हैं कोलकाता में हुए निर्भया कांड की। और अब एक बड़ी खबर आपको कोलकाता से बता दें, वहां पर एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत के बाद नाराज मेडिकल छात्रों और नर्सों ने अपना विरोध जाहिर किया। कोलकाता इंसाफ चाहता है। यहाँ पर आए हैं जस्टिस के लिए, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बेटी है। We have come here to demand justice because I have a daughter. I am scared to send her anywhere. If she is working during the night, I do not know what might happen to her. I am scared to send my daughter to study. 16 दिसंबर 2012, आज से करीब 12 साल पहले एक 22 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न अपने दोस्त के साथ एक प्राइवेट बस में सफर कर रही थी कि तभी ड्राइवर समेत 6 और लोग उन पर अटैक कर देते हैं। It was a horrifying incident of brutal assault and gang. हादसे के तुरंत बाद विक्टिम को दिल्ली के एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बेहद दुखद इंजरीज सामने आती हैं। बड़ी ही बहादुरी से वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली 13 दिन के बाद वो ये लड़ाई भी हार जाती है। देश में आक्रोश था, चारों ओर इंसाफ की मांग थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, हजारों लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे और इनफैक्ट कुछ इलाकों से तो ऐसी खबर आ रही थी कि लोगों का सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ भी क्लैश हुआ है। ये कहानी है दिल्ली में हुए और गैंग की, जिसको नाम दिया गया द निर्भया केस। इस केस ने हमारे देश में वुमेन सेफ्टी और उनके राइट्स को लेकर कड़े सवाल उठाए, जिसके जवाब में दिसंबर 2012 में जुडिशियल कमेटी एक रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें 80,000 लोगों के सजेशंस के चलते पुलिस और गवर्नमेंट की लापरवाही सामने आती है। टू कोप अप विद दिस, 2013 के स्टैंडिंग प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जस्ट फॉर द हियरिंग ऑफ केसेस भी बनाए जाते हैं। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के चलते 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई, पर क्या सच में कुछ बदला? हादसे के ठीक 2 साल बाद विक्टिम के फादर का कहना था कि जो वादे उनसे किए गए वो कभी पूरे हुए ही नहीं, और उनको इस चीज का अफसोस हमेशा है कि वो अपनी बेटी और उनके जैसी हजारों लड़कियों को इंसाफ नहीं दिला पाए। अब ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन था इस तरीके के इंसिडेंट को लेकर, और कहीं ना कहीं ये डर भी हम सब लोगों के मन में था कि कल को कहीं एक और निर्भया तो हमसे इंसाफ की उम्मीद नहीं लगाएगी। और फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ठीक 12 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहराता है। 8 अगस्त 2024 खबर है आरजेकर मेडिकल कॉलेज की। एक सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर एम अपनी ड्यूटी पर थी। हर रोज की तरह ही वो अपने जूनियर्स के साथ डिनर करती हैं और फिर फाइनली रात को 2 बजे डिसाइड करती हैं टू हैव सम रेस्ट। हॉस्पिटल में एडिक्वेट फैसिलिटीज और रेस्ट स्पेस ना होने की वजह से वो सेमिनार हॉल को सेफ कंसिडर करते हुए उसकी तरफ बढ़ती हैं और फिर फाइनली वहीं जाकर रेस्ट करने का डिसाइड करती हैं। कट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, 9 अगस्त 2024 को उसी सेमिनार हॉल से डॉक्टर एम की सेमिन्यूट बॉडी मिलती है। इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस की तो बात ही छोड़िए, बल्कि दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट और कॉलेज ने ऑलरेडी डर्टी ट्रिक्स खेलना शुरू कर दिया है टू कवर अप दिस इंसिडेंट। और इसको प्रूव करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में 5 इंसिडेंट डिस्कस करूंगा। द्वयपयन विश्वास, एक असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ आरजेकर मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले डॉक्टर एम के पेरेंट्स को कॉल करके बताते हैं कि उनकी बेटी ने कर लिया है। ये सुनने के बाद विक्टिम के फादर फौरन वहां पर पहुंचते हैं और 3 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद उनको अलाउ किया जाता है टू सी हर बॉडी। और पहली ही नजर में ये बहुत ऑब्वियस था बताना कि इट वॉज नॉट अ सुसाइड। विक्टिम के फादर का कहना था कि वहां पर क्लियर इंडिकेशंस हैं कि हुआ है और हॉस्पिटल जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन में देरी कर रहा है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा, एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 ईयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया,
राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। इसके तुरंत बाद पीजीटी डॉक्टर्स आरजेकर मेडिकल हॉस्पिटल में काम करना बंद कर देते हैं और डिमांड करते हैं जस्टिस के लिए। दूसरी तरफ स्टूडेंट एसोसिएशन भी कुछ रैलीज ऑर्गेनाइज कराते हैं और डिमांड करते हैं टू हैव अ फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। फाइनली इस प्रेशर के चलते अरुणव दत्त चौधरी जो कि एचओडी हैं आरजेकर चेस्ट डिपार्टमेंट के, ये एक्सेप्ट करते हैं कि इस इंसिडेंट को बताना एकदम गलत था और अथॉरिटीज को एक FIR रजिस्टर करानी चाहिए थी। इसी के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने विक्टिम के पेरेंट्स का नंबर कलेक्ट जरूर किया था लेकिन उसको एक फीमेल असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के साथ फर्दर पास ऑन कर दिया, बट कॉल उन्होंने भी नहीं की। कॉल किसने की? दोई पायन विश्वास ने। साउंड्स फिशी, सवाल है, सोचिए। दूसरा चिंता का मुद्दा जो कोर्ट के सामने आया वो आरजेकर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का है। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट के चलते उनका खूब ओपोज किया जाता है और उनके सिक्योरिटी मेजर्स पर खूब सवाल उठाए जाते हैं जिसके प्रेशर में आकर वो फाइनली रिजाइन करते हैं। बट इंटरेस्टिंगली स्टेट गवर्नमेंट उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की बजाय उनका ट्रांसफर कर देती है और सरप्राइजिंगली अगले 24 घंटे में ही उनको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज जो कि एक और रेपुटेड कॉलेज है कोलकाता का, वहां पर सेम पोस्ट के लिए हायर कर लिया जाता है। इनफैक्ट आफ्टर हियरिंग दिस कोर्ट का भी यही मानना था कि डॉक्टर संदीप को CNMC में इस पोस्ट के लिए हायर नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये स्ट्रिक्टली सवाल भी किया कि आप डॉक्टर संदीप को क्यों बचा रहे हैं, जबकि डॉक्टर संदीप तो वो पहले इंसान होने चाहिए जिनके साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए था। अभी तक तो चीजों को छुपाया जा रहा था पर शायद अब तो एविडेंसेस को मिटाना भी शुरू कर दिया गया है। मीडिया कवरेज के चलते एक वीडियो सामने आता है जिसमें देखा जा सकता है कि क्राइम सीन से सिर्फ 20 मीटर दूर रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया गया है। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ दिस रेनोवेशन एट दिस टाइम? सड़कों के गड्ढे भरने की बात आए तो शायद सरकार अंधी हो जाती है, बट हाँ रेनोवेशन का काम पूरे जोरों से चल रहा है ताकि शायद एविडेंसेस को टेम्पर किया जा सके। और वीडियो में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि स्टेट पुलिस आराम से हाथ पे हाथ धरकर तमाशा देख रही है। ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के चलते काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और फाइनली संजय रॉय जो कि एक सिविक वॉलंटियर हैं कोलकाता पुलिस के, उनको अरेस्ट किया जाता है। एविडेंसेस के तौर पर पुलिस को विक्टिम की बॉडी के पास से एक टूटा हुआ हेडफोन मिलता है जो कि संजय रॉय का ही था। एक दूसरा प्राइवेट क्लू जो पुलिस को मिलता है वो था संजय रॉय के खून से सने हुए जूते। असल में पुलिस का कहना था कि क्राइम करने के बाद संजय वापस अपने घर लौट गया और एविडेंसेस मिटाने के लिए उसने अपने कपड़ों को धो दिया, बट फॉर्चुनेटली सर्च के दौरान पुलिस को उसके जूते मिले। अभी एक बारी हम सब एविडेंसेस को समराइज करते हैं। ब्रोकन हेडफोन, ब्लड स्टेंड शूज, वायलेंट एंड एब्यूसिव बिहेवियर विद हिज 4 वाइव्स, या ही वॉज मैरिड 4 टाइम्स, डिस्टर्बिंग पोर्नोग्राफिक कॉन्टेंट ऑन हिज फोन, एंड फाइनली हिज ओन कन्फेशन सेइंग, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे फांसी दे सकते हैं। सीम्स फेयर, जस्टिस मिल गया, एक्यूज्ड पकड़ा गया, अब इस केस को क्लोज कर देना चाहिए, राइट? नो, देयर इज इवन अ मोर डार्कर साइड टू इट। अब मैं आपको डॉक्टर एम की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ के बताता हूँ। ब्लीडिंग फ्रॉम बोथ आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, इंजरी ओवर द फेस एंड नेल, ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना, इंजरी इन लेफ्ट लेग, इंजरी इन बेली, इंजरी ओवर लेफ्ट लेग एंकल, इंजरी एट हर नेक, इंजरी एट हर राइट हैंड एंड रिंग फिंगर। इंडिया टुडे टीवी के साथ एक इंटरव्यू में डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी इन्हीं इंजरीज के बारे में बात करती हैं और बताती हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑटोप्सी रिपोर्ट 151 ग्राम ऑफ सीमेन वाज फाउंड फ्रॉम द वेजाइनल स्वैब। अब साइंटिफिकली ये क्वांटिटी किसी एक इंसान की हो ही नहीं सकती। ऑल्सो द काइंड ऑफ इंजरीज ऑन आवर बॉडी क्लियरली इंडिकेट्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गैंग एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पीपल। अब ये सब सुनकर जैसे आप लोगों के मन में कई सवाल हैं, कुछ ऐसा ही पुअर इन्वेस्टिगेशन मेथड कोलकाता हाई कोर्ट को भी फील हुआ और फाइनली इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। अब सबसे हॉरिफाइंग और कंसर्निंग पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑन द नाइट ऑफ 14th अगस्त जब CBI इंटरोगेट करने के लिए आने ही वाली थी, उससे जस्ट पहले हजारों लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स पर अटैक करते हैं। हॉस्पिटल को वेंडलाइज करने की कोशिश की जाती है, एविडेंसेस को टेम्पर किया जाता है और इनफेक्ट मीडिया पर्सन्स पर भी अटैक कर दिया जाता है। और स्टेट पुलिस इन सब को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहती है। हम लोग आरजेकर के डॉक्टर्स हैं
और हम लोग एक जो भी आजगर में जो घटना हुई है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारी फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं, उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है, कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए, और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उनको उनपे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। अब ये चीज काफी सवाल खड़े करती है और मैं चाहता हूँ कि मैं और आप लोग मिलकर बंगाल गवर्नमेंट से ये तीन सवाल करें। फर्स्ट, हु सेंट द मॉब? सेकंड, व्हाई देयर वर नॉट द एनफ सिक्योरिटी एट द क्राइम साइट? थर्ड, हाउ कम द मॉब कम एग्जैक्टली व्हेन द सीबीआई वाज अबाउट टू इंटरवीन? अब ये इंसिडेंट्स आपको बताते हैं कि देयर इज अ लार्जर साइड टू द स्टोरी, मोर पावरफुल पीपल आर इन्वॉल्व्ड, क्योंकि किसी संजय के लिए 2000 लोग किसी बिल्डिंग को गिराने नहीं आते दोस्त। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर हर चीज को एक पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ साथ मिलकर काम करना चाहिए, वहाँ राजनीति गरमाई हुई है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि शायद आज के दिन भारत में सिर्फ दो ही तरीके के कानून हैं। पहला अमीर और पावरफुल लोगों के लिए और दूसरा गरीब और मिडिल क्लास के लिए। कैसे एक रोड एक्सीडेंट में गई जान को एक ऐसे के जरिए भुला दिया जाता है, और कैसे एक 31 साल की एम्बिशियस डॉक्टर की बॉडी जो कि खून से लथपथ थी उसको नाम दिया जाता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में एक बड़ा आदमी जैसे चाहे वैसे अपने से कम होने वाले इंसान को यूज कर सकता है, चाहे फिर वो उसकी जान ही क्यों ना हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब एक भूखा इंसान किसी चौराहे से अपना पेट भरने के लिए चोरी करता है तो पूरा समाज उसको दबाने के लिए, उसको मारने के लिए साथ में खड़ा हो जाता है, और फिर अगले दिन जब उसी चौराहे पर कोई पुलिस वाला किसी गरीब का हक मारता है तो शायद सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इकलौता स्टेट जहाँ की सीएम वेमेन है, एक ऐसा स्टेट जहाँ का मेजर फेस्टिवल काली पूजा है, और एक ऐसी कंट्री जहाँ पर औरत को देवी का दर्जा दिया गया है, वहाँ पर हम एक लड़की के लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत हुए कैंडल मार्च, आवाज उठाइए नए कानूनों के लिए, नए बदलाव के लिए और नए भारत के लिए। आवाज उठाइए डॉक्टर एम और उनके जैसी करोड़ों लड़कियों के लिए। वी आर नॉट द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट या वी हैव एट मोस्ट पोटेंशियल टू बी द वन। सो स्टार्ट स्पीकिंग, स्पीक अप, बिकॉज एवरी वॉइस मैटर। चेंज सीख मत करो मेरे भाई, खुद चेंज लेके आओ। साइनिंग ऑफ।